हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो आज हम एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ओपेम्प का ना। इस पे आपको एक क्वेश्चन ही है, पर अपने क्वेश्चन से क्या निकालेंगे, एप्लीकेशन निकालेंगे। तो ओपेम्प का एक क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ओपेम्प की एप्लीकेशन भी आ जाएगी उसके अंदर आपकी, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया आपका, ठीक। V नोड है, R1 है, एक और R1 ले लो चलो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मेरा, चलो मैंने दे दिया आपको V इनपुट, ठीक है। ये हो गया आपका, R2 है, RL है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें यहाँ से आपको IL की वैल्यू निकालनी है, करंट कितना जाएगा। लगाओ आप, देख लेना यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फीडबैक आ रहे हैं, तो ध्यान से करना आप लोग, है ना, ध्यान से करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सर देखेंगे कौन सा फीडबैक है, ओपेम्प है तो आइडियल है, तो अपने गेन इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करो कौन सा फीडबैक है। तो कैसे करोगे सर, ये वीटी, ये वी रिटर्न, ये वीटी हो गया आपका, ये वीटी हो गया, यहाँ से करंट जीरो, यहाँ से करंट जीरो, ये सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो यहाँ पे कितना आएगा, सेम रेजिस्टेंस है, इसको आप जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, वीटी बाय टू आएगा सर, वीटी बाय टू आएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितना है, वीटी है, पर ये तीन रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ की वैल्यू आप बताओ, तीन रेजिस्टेंस है, वीटी बाई टू से कम आएगी या ज़्यादा आएगी सर, कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस आ गया ना, दो होते तो वीटी बाई टू आ गया, तो वीटी बाई टू से कम आएगी ना वैल्यू, है ना। तो मतलब ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब वी माइनस इज ग्रेटर देन वी प्लस, मतलब ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक। चलो ये अपनों ने पता लगा लिया, नेगेटिव फीडबैक में है, फीडबैक पता हो गया। तो अब मैं इसको इरेज कर दूं, वी टी बाई टू को, फीडबैक पता हो गया सर, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक हो गया, ये अपने इसको वापस से जोड़ दिया। अब आगे बताओ आप मेरे को, अब मतलब नेगेटिव फीडबैक है, मतलब ओपेम्प आइडियल है, ए इन्फिनाइट है, मतलब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड है, लग जाएगा ना वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अब देखो आप इसमें देखो, अगर अपने को IL निकालना है तो क्यों ना अपने यहाँ पे देखो, ये जीरो है, इसके क्रॉस IL अपने को गिवन है, मान लो निकालना यही है, तो IL गिवन है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितनी आएगी, IL इंटू इसके क्रॉस पोटेंशियल कितनी आएगी, IL इंटू RL, ठीक है। अब जीरो है, जीरो माइनस से प्लस जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, IL RL, ये IL RL, तो ये भी IL RL। अब क्या है, वर्चुअल ग्राउंड वैलिड है, तो V माइनस इक्वल टू V प्लस, मतलब IL RL, ये भी IL RL, तो मतलब ये भी IL RL, ठीक है, ये भी IL RL। तो यहाँ से करंट कितना आएगा आपका, यहाँ से करंट कितना आएगा, V इनपुट माइनस IL RL अपॉन R1, यही आएगा ना करंट, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, सारा करंट ये इधर चला जाएगा, यहीं आएगा ये करंट। तो यहाँ अगर ये करंट आ गया, V इनपुट माइनस आई एल आर एल अपॉन आर वन, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, V इक्वल्स टू आई आर, आई इंटू आर करेंगे तो आर वन से आर वन कैंसिल, तो पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव में एंटर करता ना पैसिव में, तो यहाँ पे कितना आएगा, V इन माइनस आई एल आर एल, V इक्वल्स टू आई आर से देखोगे तो आर वन से आर वन कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो ये नोड कितना है आई एल आर एल, ये नोड कितना आई एल आर एल, ये नोड वी नोड, ये नोड भी वी नोड, दोनों की पोटेंशियल सेम होगी ना इस हिसाब से। तो अगर ये पोटेंशियल इतनी है तो ये भी तो इतनी है, तो मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे भी सर प्लस माइनस सेम ही आ जाएगी ना, क्योंकि ये नोड की वोल्टेज और ये नोड की वोल्टेज
एक है, मतलब ये इसका टर्मिनल टर्मिनल सेम, इसका टर्मिनल टर्मिनल सेम, तो वोल्टेज तो सेम ही आएगी जो आर वन के अक्रॉस वही आर टू के अक्रॉस, सिमिलरिटी से देख सकते हैं ना अपने। आगे अब बताओ मेरे को यहाँ पे करंट मेरे को निकालना है आई एल, ठीक है, तो यहाँ मैं किरचॉफ्स रूल लगा दूँ, यहाँ की वोल्टेज पता है आई एल, इधर करंट कितना जाएगा बताओ, एक इधर करंट बताओ। अब तीनों ही करंट आउट जा रहे हैं, तीनों ही करंट आउट जा रहे हैं, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है सर, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है, इनकमिंग तो कुछ है ही नहीं, सारे आउटगोइंग है, ये जीरो बार है, जीरो बार है मतलब इनकमिंग तो ऐसे ही जीरो है सर, इनकमिंग तो ऐसे ही जीरो है, बाकी यहाँ पे कितना आएगा आई एल आर एल डिवाइड बाय आर टू, ठीक है, प्लस आई एल प्लस वी इनपुट माइनस आई एल आर एल डिवाइड बाय आर टू, वापस से ये आएगा ना, यही आएगा और प्लस जीरो, तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आ गया अपना, यहाँ से आई एल की वैल्यू निकालो, आई एल की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, आई एल आर टू प्लस आई एल आर टू, आर टू एल सी एम ले लिया मैंने, प्लस वी इन माइनस आई एल आर एल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये आया, यहाँ पे क्या है आई एल आर एल है, ठीक है, ये आ गया, तो आई एल आर एल से आई एल आर एल कैंसिल, तो यहाँ से V आई एल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का V इन अपॉन आर टू, आई एल की वैल्यू ये आ गई। तो देखो यार यहाँ पे जो आई एल आ रहा है और आर एल तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू जो कंसेप्ट सिखाना चाहता था वो क्या था, देखो ये आपका, आपको पता है करंट सोर्स होता है, ये अगर कोई लोड रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आइडियल करंट सोर्स है आपका, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ नहीं लगा रहा है इसके पहले में, मतलब आइडियल करंट सोर्स है, तो ये जो करंट सोर्स आइडियल है, ये जो वैल्यू आर एल में जो करंट आएगा आई एल आई एल, वो क्या आएगा है? सेम आएगा ना, अगर ये आई एस इधर से जा रहा है, कोई आइडियल करंट सोर्स है मतलब ये आई एस की वैल्यू वही आएगी यहाँ पे, आई एल बराबर आई एस आएगा, मतलब आई एल आर एल पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, अगर आर एल के इधर आइडियल करंट सोर्स लग जाए तो आई एल और आई एस सेम आ रहे हैं, आर एल पे डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, आई एल इज इंडिपेंडेंट ऑन आर एल, ऑन आर एल, तो ये क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स जब लग रखा हुआ, तो ये भी तो आई एल माइनस वी इनपुट अपॉन आर टू है, माइनस वी इनपुट अपन आर टू है, आपको पता है ओपेम क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता है ना, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह ओपेम काम करता है, समझ आ गई बात, क्योंकि वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है ना ये, तो ओपेम तो ये आपका। अब एक बात बताओ आप, ये वाला सर्किट है यहाँ पे, जो ये पूरा सर्किट है आपका, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये आई एल है, वो माइनस का वी इनपुट अपॉन आर टू आ रहा है, मतलब ये आर एल पे इंडिपेंडेंट है, अगर ये आर एल पे इंडिपेंडेंट है तो ये क्या है, इसके आइडियल करंट सोर्स है, तो ये पूरा इतना आपका क्या काम कर रहा है, आइडियल करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, आइडियल करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स आया ना, देखो मजे आया ना, मतलब आई एल इज इंडिपेंडेंट अपॉन आर एल, मतलब आइडियल करंट सोर्स हो गया आपका, और अगर यही अगर यहाँ पे आई एल की जगह अगर वी एल होता, मान लो जैसे वोल्टेज सोर्स अगर मैं बनाता, कुछ वोल्टेज सोर्स कहा जाता वी एस है, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ये आर एल है, तो यहाँ पे जो वी एल आएगी, जो वी एल आएगी पैरेलल में है, तो वी एस ही होगी ना, वो जो वी एल आएगी वो वी एस होगी, क्या वो आर एल पे डिपेंड है क्या, नहीं है सर, ये भी इंडिपेंडेंट ऑन आर एल है, इंडिपेंडेंट ऑन आर एल, मतलब ये इधर वाला क्या होगा आपका, आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर यहाँ पे अगर वी एल पूछा होता और वो आर एल पे इंडिपेंडेंट आती तो वो और दूसरा सर्किट होता, वो किसकी तरह बिहेव करता, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह, तो ये अपनों ने क्या एप्लीकेशन पढ़ी यहाँ पे, इसमें अपनों ने वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया,
मजे आए ना। देखो ये पूरा आइडियल करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये वी इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिपेंडेंट सोर्स हो गया ना। ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, ओपेम ट्रांजिस्टर लग रखे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, डिपेंडेंट रहता है। तो आई एल माइनस वी इनपुट अपन आर टू आ रहा है, मतलब जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स था उसके थ्रू अपनों ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना करंट सोर्स। मजे आए ना। तो ये क्वेश्चन आज मैंने इसलिए डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है, तो ये आपके लिए आज ये मैंने अलग से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। ओके चलो आप नोट कर लेना, ये पॉज करके नोट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो। ओके थैंक यू, हैव ए गुड डे।